या तो ये रियल में है, तो फिर उन्हें पता लगता है ये तो रियल में ही स्टटरिंग करता है, उन्हें बड़ी हैरानी होती है। ठीक है, तो मैं लोगों को ये बताता हूँ यार मैं रियल में ही है। एक का ना एक था कोई बंदा, ठीक है, वो ना स्टटरिंग करता था, वो मेरे पास आकर आप ना ये हक लाने वालों का मजाक उड़ाते हैं, ये नहीं करना चाहिए। मैं खुद हक लाता हूँ। मैंने कहा ये तो खुश होना चाहिए यार कि एक अकलाने वाला बंदा एंकर बन गया, होस्ट बन गया, एक्टर बन गया, हो रही है सब ठीक है। तो वही ना कुछ ऐसी जगह होती हैं उधर कंफ्यूज होता, मैं ज़्यादा स्टटर करने लग जाता हूँ, ठीक है, मगर कभी कभार मैं फ्लो हूँ, कंफर्टेबल आपके साथ मैं बड़ा कंफर्टेबल फील कर, ऐसा लग रहा हम पुराने बचपन के दोस्त हैं। हाँ हाँ, 24-25-25 साल के दोस्त हैं, पुराने हैं। यहाँ में हमें 25 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं फ्रेंड्स को, बेस्ट फ्रेंड्स। यस यस यस, तो इस तरह पर मुझे ना वो नहीं हो रही। आपको मैं डरने वाली घबराहट वाली बात बताऊं? नहीं जी बताएं। ठीक है, आप अभी फिर शो बंद कर देंगी? नहीं मैं नहीं, ये शो नहीं मैं नहीं करूंगी, बहुत ढीठ हूं, नहीं करूंगी। चलाएंगी भी नहीं फिर आप? नहीं नहीं चलेगा, ऐसा कैसे, पक्की बात है, पक्की बात है। मैंने सबसे पहले जो काम किया था विकेट चैनल, ठीक है, वो बंद हो गया था, ठीक है, फिर मैंने स्टाइल 360 में काम किया, वो बंद हो गया था, फिर मैंने ATV 10-12 साल काम किया, वो बंद हो गया, फिर मैंने यूट्यूब चैनल, ठीक है, 3 यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया, तीनों बंद हो गए। अब मैं आपके शो में आया हूँ, हम हिस्ट्री बदल के दिखाएंगे आपको, हम एक हैं और हम नई चीजें करके दिखाएंगे आपको। कसूर मेरा नहीं होता। हाँ, कसूर अगले का होता है। नहीं नहीं नहीं, कसूर अगले का नहुसत, ठीक है, वो किसी बंदे के साथ हो ना, ठीक है, उसे चलती रहती है या साए की तरह, या तो इधर या फिर कहीं भी हो सकती है, ठीक है, मगर आपके साथ होती है, आपने डिसाइड नहीं होता यार ये कभी लेफ्ट साइड पे हो जाती है, कभी राइट साइड पे हो जाती है, कहीं भी हो, ठीक है, वो आपके साथ ही, ठीक है, मगर वो भी खत्म करने का तरीका है। क्या जिंदगी में आपने इतने सारी चीज़ें की, आपने होस्टिंग की, आपने एंकरिंग की, आपने जो है बिहाइंड द कैमरा काम किया, डायरेक्टर भी बने आप, प्रोड्यूसर भी रहे, कौन सा रोल आपके लिए सबसे मुश्किल था? सबसे जो मुश्किल रोल जो मुझे अपनी लाइफ में लगा ना, वो मियाँ बनना है, बहुत मुश्किल काम है। आपकी बेगम ये देख रही होंगी, ट्राई करके देखिएगा। वैसे आपकी बेगम ये देख रही होंगी? नहीं 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 नहीं, बेगम अल्लाह करे ना देख रही हो, और अगर देख भी रही हो नाराज होगी, शॉपिंग करा दीजिएगा। मैं शेख बनना हूँ, ठीक है, इस दफा जरा चेंज कीजिएगा ना, शेख कंजूस, कंजूस वाला वर्ड शेखों को इतना बुरा लगता है, आप एक शेख के सामने ये वर्ड यूज कर रही हैं आप, नहीं है किफायतशार, अच्छा किफायतशार, जी जी, आप किफायतशार ना बनिएगा। ओके ओके ठीक है, एक दफा इस दफा अपनी बेगम कहिएगा कि जो कहोगी ले दूंगा, पता है क्या, चले ये लंबी बहस है उसमें नहीं मैम, चले पिछली बहस पे, ये ऐसा करें आप ये कट कर दीजिएगा, अनकट है ये, कट कर दीजिए, अनकट जवाब ये नहीं। अच्छा मैं कहता हूँ काम जो है ना, ना कोई काम मुश्किल है ना कोई काम आसान है, ये आप पे डिपेंड करता है, मेन चीज़ है आप कौन सा काम कितना इंजॉय करके करें, अगर आप आसान से आसान काम मुश्किल इंजॉय करके नहीं करें तो वो आपको मुश्किल लगेगा, और अगर आप मुश्किल से मुश्किल काम इंजॉय करके करें तो वो आपको ईजी लगेगा, समझ आइए कि नहीं, शुक्र है। लेकिन ये मुझे भी पता है कि मेरे लिए कितना मुश्किल है, लेकिन जॉय करके कर रही हूँ, है ना, इजी लग रहे हैं, क्या बात है, सही किया। स्क्रीन पे फड्डे कब कब हुए? समी खान से कुछ याद आया? मीरा जी से कुछ याद आया? बिल्कुल बिल्कुल, क्या बिल्कुल हुआ था जरा हमें बताइए ना, खुल के बताइए। कौन सा पूछना है, आप मीरा जी का पूछनी या फिर? मैं दोनों का पूछ रही हूँ, दोनों के बारे में। दोनों एक साथ कहाँ से आ गए जानना चाहती हूँ मैं, हमारी आन काटे हम जैसे मर्जी पूछें। अच्छा पहले किसके बारे में बताना चाहेंगे? समी के साथ, चले समी खान का बताइए। समी साहब के साथ मेरी बड़ी अच्छी हेलो हाय थी और अभी भी बहुत अच्छी है, ठीक है, ये नहीं है कि वो ना उस टाइम वो मेरे से नाराज होते ना इस टाइम वो मेरे से नाराज हैं, नाराज हैं, ठीक है, सिर्फ क्या हुआ था कि शो के अंदर, ठीक है, जो ये एयरवे वाला शो था फाद मुस्तफ़ा वाला, उसके अंदर क्वेश्चंस अप्रूव थे, ठीक है, मगर क्या हुआ था कि यार क्वेश्चंस इस तरह के थे यार, किससे आप पूछे, ठीक है, मैं आपसे पूछे कि यार आपकी कोई फिल्म अभी तक हिट क्यों नहीं हुई, क्या वजह है, ठीक है, अगला बंदा एक्सप्लेन करे बताए, और आप वो चीज़ काट दें जो उसने जवाब दी, आप एक बंदे का सवाल छोटा सा क्लिप बनाकर चला दें, होए ये क्या पूछ लिया, ये क्यों पूछ लिया, एक बंदे से पूछना कि वो चीज़ें उसकी फ्लॉप क्यों है, ये वो कितनी बुरी बात है, इंसान अपनी फ्लॉप से ज़्यादा सीखता है जी, हाँ, और मैं बताऊँ, और ये ऐसा सवाल मैंने इससे मुश्किल, इससे
बुरे बुरे यानी इससे ख़तरनाक सवाल इससे बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ किए हुए हैं, ठीक है, वो कभी किसी ने नहीं पकड़ा। वो एक क्लिप अगर कोई वायरल हो गया, ठीक है, तो वो लोगों ने समी को भी कहना शुरू कर दिया, ये देखो किसने तुम्हारे से क्या पूछा। फिर समी की उसकी टीम और उसको करना पड़ा कि यार कि ये हुआ था ये वो, उसने भी जो किया कि यार जो भी है। और फिर बड़े एक्टरों ने उसकी सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, कुछ एक्टरों ने सपोर्ट करने के लिए, और कुछ एक्टर ऐसे भी थे जो कि फहद मुस्तफ़ा के साथ उनकी नहीं बनती, नहीं बनती। फहद मुस्तफ़ा की क्लैश में, ठीक है, क्योंकि फहद का भी एक सर्कल है, ठीक है, वो एज अ गेस्ट, हाँ, वो अपने गेस्ट भी उसी को बुलाते हैं जिनके साथ उसकी अच्छी हेलो है, कंफर्टेबल, जिनको वो गेस्ट नहीं बुलाता है ना, ठीक है, और जिसके अच्छा वो सर्कल में नहीं है वो लोग उसके खिलाफ है, ठीक है, मोस्टली वो लोग थे जो के उसके सर्कल से आते। उसने उन्होंने फहद मुस्तफ़ा के क्लैश के अंदर ना मेरे खिलाफ, क्योंकि किसी के साथ मेरा फड्डे में आपको भी डाल दिया, हाँ हाँ, रगड़े गए आप बेसिकली, किसी और की लड़ाई में आप रगड़े गए। शो के बाद मैंने समीर से बात हुई, मैंने उसे सॉरी किया, क्योंकि मैं हर शो के बाद ना गेस्ट कहते हो यार कोई चीज़ बुरी लगी हो तो सॉरी, ठीक है, तो बड़े फिर लोगों ने मुझे कहा कि यार सॉरी कर दो, और मैंने फिर चैनल को कहा यार मैं या तो आप लोगों के किसी शो में सॉरी कर दूं या फिर मैं अपने चैनल पे सॉरी कर दूं। लोगों ने कहा नहीं, उन चैनल का नहीं, आपकी कोई गलती नहीं, आप सॉरी नहीं करेंगे, ठीक है, और तो मैं फिर उनके कॉन्ट्रैक्ट में था, बाउंड में था, तो मैं वो नहीं कर सकता था उस टाइम पर, ठीक है। तो उसके बाद मेरी समीर से मैसेज पे कॉल पे भी बात हुई, ठीक है, मैंने सम्मी को पर्सनली सॉरी कर दिया था यार कि अगर बुरा लगा हो वगैरह, उसने कहा नहीं नहीं कोई ऐसा मसला नहीं है, तो आपके शो में या आपके साथ इस तरह चीज़ें होती रहती हैं। वही मुझे उन फैंस की समझ नहीं है, ठीक है, फैंस ने ये बात तो यानी सम्मी के फैंस ने ये बात तो एतराज़ की कि यार कि ये चीज़ सम्मी कैसे नहीं करनी चाहिए थी, वो फैंस अगर जाके फिल्म देख लेते फिल्म ने ना हिट हो जाती, तो ये चीजें ना चलती रहती है लाइफ में। ओके, मीरा जी के साथ क्यों लड़ाई हुई थी? मीरा जी एक ना, मीरा जी, यस, मीरा जी इज समथिंग एल्स, ऑफ कोर्स, वो तो फिनोमिनन है। मीरा जी को आप एक आम इंसान या आम बंदी ना समझो, वो कुछ और चीज है, ठीक है, और वो ऐसी हैं कि यार मीरा जी के ना मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, कभी वो उनका मूड अच्छा तो वैसे मैंने कभी नहीं देखा, मगर ज्यादा या तो उनका मूड खराब होता है या फिर बहुत खराब होता है। ओके, तो खराब और बहुत खराब में क्या रेंज होती है? मतलब खराब का मतलब है कि यार आपसे बात करने को वो जवाब ना दें, चुप कर जाएं। बहुत खराब का मतलब है बच जो मेरे साथ हुआ था कि वो मेकअप रूम में जाकर रोना शुरू हो गया, मुझे धमकियां लगाना शुरू हो गई, धमकियां, मेरे से ऐसे सवाल क्यों किए, क्योंकि मैं ना इंग्लिश में क्वेश्चन शुरू हो गया था। मुझे अब समझ आ गई, मैं एक्सपेक्ट करता वहां से भी इंग्लिश आएगी या क्या, उधर से वो फिर टेंशन आना शुरू होगी, ठीक है। कोई सवाल याद है जो आपने उनसे किया था? सवाल तो मेरे ये यही कि यार व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज और ये और वो, व्हाट अबाउट दिस, वाटर इज मोर कोल्ड और आइस, वाटर इज मोर कोल्ड और आइस, ठीक है, देखें आपने भी तो फिर सवाल, हाँ, शायद उन्हें सवाल नहीं समझ आया या क्या बनता था, फिर शेख साहब वो उठ के उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम नहीं चलना चाहिए ये वो, और प्रोग्राम भी आधा हुआ, ठीक है, आधा प्रोग्राम, फिर मैं मीरा जी खुद बनकर मैं सवाल लिख के, तो मैंने कहा क्या करूँ, फिर मैंने मीरा के जी की जगह बैठ कर मैंने अपने यानी अपने आप से सवाल किए, मैं खुद ही जवाब दिए, खुद ही बहुत जुगाड़ू काम था, लेकिन ये फिर ऑफ कोर्स आपकी इंटेलिजेंस है कि आपने कहा हो गया चीज तो होनी चाहिए, मुकम्मल होनी चाहिए। मीरा जी ने ये भी कैसे करते हैं शो के बजाय ना, उधर एक ना वो साइंस म्यूजियम में मैंने किया था, मैंने कहा साइंसदान है इतनी बड़ी, मीरा जी तो साइंस म्यूजियम में करना चाहिए, फिर हमने साइंस म्यूजियम का चक्कर भी लगाया कि यार शायद दूसरे टाइम पूरा आ जाऊंगा, करने मीरा जी को ना भूलने की बड़ी आदत है। उसके बाद मीरा जी के साथ मेरी 3 दफ़ा दोबारा मुलाकात, मीरा जी को नहीं याद था मैं कौन हूँ। अच्छा, मतलब उन्होंने मेमोरी से ही रेज कर दिया, हो गया बस। नहीं, अरेज नहीं कर दिया, मेमोरी उनकी अरेज वाली है। अच्छा, मेमोरी अरेज वाली है। हाँ, उनको आप ये डायलॉग भी दोगे ना कि यार ये पढ़ के आपने बोलना है,
तो 5 मिनट बाद फिर भूल जाए। एक्ट्रेस तो इतनी पुरानी और इतनी जानी मानी है, यही तो कमाल है। तो फिर वो फिल्में कैसे करती थी और उनको उनके डायलॉग कैसे याद रहते थे? मुझे समझ नहीं आती डायरेक्टर्स, ठीक है, या तो वो पहले ठीक थे उसके बाद उनका मसला है, ठीक है, या फिर उनके डायरेक्टर जो थे वो दो दो साल में शायद फिल्म कंप्लीट करते थे, आई हैव नो आइडिया। बट स्टिल ये